नमस्ते दोस्तों, हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय हिंदी चैनल। एंड आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने आपके एक रिक्वेस्ट को पूरा करने की कोशिश की है, वन ऑफ द रिक्वेस्ट फ्रॉम यू गाइस। सो उम्मीद है कि आपको ये अच्छा जो है ट्यूटोरियल आपको पसंद आएगा। तो मूविंग ऑन टू द ट्यूटोरियल टुडे, एंड वो है डायरी लेखन। साहित्य की सशक्त लेखन विधा है। यहाँ पर आप बहुत सारे इमोटिकॉन्स को देख रहे हैं, हंसी है, खुशी है, दुखी है, नाराज़गी है, यू नो, आश्चर्यचकित है, दुखी है, किसी बात से खीज है, यू नो। तो कभी कभी क्या होता है कि जब ऐसे इमोशंस को हम एक्सप्रेस करने के लिए या ऐसे भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए जो हम किसी से नहीं कर सकते हैं, डायरी के माध्यम से हम उसे अभिव्यक्त कर पाते हैं। तो डायरी लेखन की जब बात करती है तो हमारे दिमाग में या हमारे मन में एन फ्रैंक याद आती हैं, क्योंकि उन्होंने जो है अपनी जो अनुभव हैं, उन्होंने अनुभव नहीं कहूँगी, उन्होंने अपनी जो यातनाएँ देखी, उन्होंने इतने मार्मिक रूप से उसे अपनी डायरी में लिखा कि हाँ, उसे पढ़ते हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो डायरी लिखने का जो मेन पर्पस होता है वो है विचारों एवं भावों को, अपनी अनुभूति को, सुखद एवं दुखद बातों को, अपने अनुभव को बांटने का माध्यम है। विचारों एवं भावों को, इट इज़ योर आइडियाज़ एंड योर थाट्स। अनुभूति इज़ योर यू नो योर एक्सप्रेशन, जो गट फीलिंग होती है वो। सुखद और दुखद बात, मतलब हैप्पी और सैड जो आपकी बातें होती हैं, अपने अनुभव को, अपने एक्सपीरियंस को बांटने का माध्यम है। तो इसकी जो एक रूपरेखा होती है वो रूपरेखा कैसी है, लेट्स हैव अ लुक। तो इसके पहले, सबसे पहले हम बांधते हैं भूमिका यानी शुरुआत, या इंग्लिश में हम इसे कहेंगे इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक। फिर दूसरी बात हमारी जो आ जाती है वो है मध्य भाग, या उसमें हम जो है विषय परिचय और विस्तार, यानी टॉपिक का एलोबरेशन और उसका फर्दर जो है एनहेंसमेंट ऑफ द टॉपिक उसमें। तो उपसंहार यानी अंत, यानी आप इसको हमारा कंक्लूजन होता है वो अंत में आ जाता है। तो कुछ ध्यान में रखने वाली बातें होती हैं। जनरली जो है डायरी लेखन स्वच्छंद लेखन कला है, परंतु परीक्षा में विषय के अनुकूल आपको लिखना चाहिए, भाषा को संदर्भ अनुसार प्रयोग करना चाहिए, विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर योर गेटिंग गुड मार्क्स। अगर आपको मार्क्स अच्छे लेने हैं, स्वच्छंद लेखन कला तो वो है ही है, परंतु विषय परीक्षा में अगर विषय है तो विषय के अनुकूल जो है आपकी भाषा होनी चाहिए। दूसरी बात आ जाती है हमारी अच्छी शब्दावली, यूज़ गुड वोकैबुलरी। टॉपिक कोई भी हो, सिंपल हो, कॉम्प्लिकेटेड हो, जो भी हो, मगर आपकी शब्दावली या वोकैबुलरी जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तीसरी बात जो आती है वो है मुहावरों एवं कहावतों का प्रयोग करना चाहिए, यू गॉट टू यूज़ योर idioms. Idioms are very very important, जो आपके language को जो है एक अच्छी feel देते हैं पढ़ने के लिए। फिर क्या है जो बहुत important diary लेखन में है, कि प्रश्न क्या है, ठीक है, प्रश्न का भाव क्या है, भावना कैसी है, इसका ध्यान रखना चाहिए। What is the question? What is the main idea and the feel of the question, which is very very important. तो वट इज़ द नेक्स्ट कमिंग आफ्टर, भाषा को सामान्य भूत, पूर्ण भूत, सामान्य भविष्य में रखें, यानी यूज़ सिंपल पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट एंड फ्यूचर टेंस जब आप लिख रहे हों। तो मैं जहाँ तक चाहूँगी, मैं अपने छात्रों से कहती हूँ कि वो सामान्य भूत का प्रयोग करें, अनलेस एंड अंटिल कि आप भविष्य में कुछ बातें आप अपनी डायरी को बता रहे हों। तो इसका एक ढांचा होता है, फॉर्मेट हर रचनात्मक लेखन का होता है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले दिन, दिनांक, महीना और वर्ष, डेट, मंथ एंड ईयर तो आप लिखेंगे। फिर उसके बाद जो आती है समय, टाइम, फिर आ जाता है आपका स्थान और प्लेस, फिर आ जाता है आपका प्रिय डायरी यानी संबोधन, यू हाउ यू विल एड्रेस द पर्सन और डायरी, यहाँ पर विषय वस्तु यानी बॉडी, और उसके बाद जो है अंत या एंड, उसका आप कैसे करेंगे। विषय वस्तु और अंत को लेकर मैं कुछ बात यहाँ पर एम्फसाइज करना चाहूँगी, वो ये कि विषय वस्तु या जो बॉडी जब आप लिख रहे हैं तो बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट कि रोचक होना चाहिए। इट इज़ यू हैव टू मेक इट वेरी इंटरेस्टिंग कि एग्जामिनर को या पढ़ने वाले को ये लगे कि भाई आप कुछ अच्छी बात या आप जो है उनका ध्यान आकर्षित करने लायक कुछ बातें लिख रहे हैं।
दूसरी बात है कि विषय वस्तु स्पष्ट हो, मेक द आइडियाज़ वेरी क्लियर. जो आप लिखना चाह रहे हैं घुमा फिरा के नहीं, मतलब कन्फ्यूज़ करा के नहीं, बी वेरी क्लियर अबाउट कि आपने और जो टॉपिक दिया है आप उससे कैसे जो है लिख रहे हैं. फिर है अंत. जब आप अंत कर रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू राइट योर नेम, अपना नाम ज़रूर लिखें, वो इम्पॉर्टेंट है. तो नेक्स्ट जो है एक उदाहरण है यहाँ पर, प्रिया डायरी का उदाहरण मैं देना चाहूँगी. आपने किसी का दिल दुखाया है या दुखाने की कोशिश की है, आपने उसको समझकर आपने उससे माफ़ी मांगी है और आपको बहुत अच्छा लग रहा है, इसके बारे में बताते हुए एक डायरी लेखन कीजिए. तो वो डायरी लेखन कैसे होगा देखिए. तो डायरी लेखन तो है, तो 12 जून को हम लिख रहे हैं, फिर रात के 10 बजे लिख रहे हैं और कक्ष में लिख रहे हैं हम, ठीक है. और देखिए कैसा है. प्रिय डायरी, आज मैं बहुत खुश हूँ और तुमसे अपने दिल की बात बांटना चाहती हूँ. सच बताऊँ तो ये कहना होगा कि आज मैंने अपनी गलती को सुधारा है और पहली बार दिल से माफ़ी मांगी है. तो ये हमारा है इंट्रोडक्शन या हमारी भूमिका. तो हमने ये बात क्लियर कर ली कि आज हमने गलती को सुधारा है हमने और किसी से माफ़ी मांगी है. तो दैट्स द मेन थिंग, ठीक है. और देखिए कैसा है. अबू, न जाने क्यों मुझे हमेशा लगता था कि मेरे माता पिता मुझे हर बात के लिए टोकते हैं. मैं 16 साल की हूँ और उम्र के इस पड़ाव में सब बच्चों को आज़ादी पसंद है. पढ़ाई को लेकर हर अभिभावक की तरह मेरे भी चिंतित रहते हैं. उन्होंने मुझे कई कोचिंग क्लास में भर्ती कराया है, ये तुम जानती हो ना डायरी. मैं तो पढ़कर बोर हो चुकी थी, थक चुकी थी, ये भी तुम जानती हो. आज मेरा दृष्टिकोण बदल गया है. उसका कारण मेरा एक सहपाठी पीटर है. पीटर बहुत स्मार्ट एवं होशियार विद्यार्थी है. सब उसकी मदद करते हैं एवं लेते हैं. बस ये बात मुझे नहीं भाई और मैं सोचती रह जाती थी कि लोग मुझसे दूर क्यों रहते हैं और पीटर से इतना रिश्ता क्यों निभाते हैं. तुम्हें पता है कोचिंग क्लास में भी सबके सामने कुछ कर दिखाने के लिए और उसे छोटा दिखाने के लिए न चाहते हुए भी पढ़ाई में कमर तोड़ मेहनत की और दिन रात एक कर दिया था मैंने. कभी कभी थकान के मारे तो तुमसे भी बात नहीं कर पाई थी. तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, मध्य भाग है, आप जो है विषय का विस्तार कर रहे हैं. आगे देखिए. बस उसे नीचा दिखाने की मैंने भरसक कोशिश की परंतु उसने कभी किसी बात का बुरा नहीं माना. पीटर मुझे हर बार माफ़ कर देता. उसने सबको ये सिखाया, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत. मतलब ये कि डायरी, हमारा मन ही सब अच्छे बुरे विचारों का केंद्र है. अगर मन चाहे तो सब संभव है, कुछ भी मुश्किल नहीं. शायद इसका असर मुझ पर भी पड़ा. मैंने अपना दृष्टिकोण बदला और सचमुच मेरे इर्द गिर्द सब कुछ बदल गया. कक्षा में बाहर लोगों का साथ मिलने लगा. मम्मी पापा के प्रति मेरा व्यवहार बदला. पढ़ाई तो मैं करती ही थी, अब नए मन की सोच से सोने पे सुहागा हो गया और मैंने परीक्षा में अव्वल अंकों से पास किया. आज रिजल्ट के बाद मैंने उसे अपने माता पिता से लिपट कर आँखों में आंसू भर धन्यवाद देते हुए देखा. फिर मुझे पता चला कि उसके पिता बहुत ही साधारण नौकरी करते हैं और माता घर संभालती हैं. वो अपने बेटे को वो सारी खुशियाँ देना चाहते हैं जैसे मेरे माता पिता. बस उसी समय मुझे ये स्पष्ट हुआ कि सभी माता पिता अपने बच्चों की खुशी के लिए ही सब कुछ न्योछावर करते हैं. तो यहाँ पर अगर और क्या आ रहा है, ये मध्य भाग है, हमने उसका विस्तार कर दिया है. ऑलमोस्ट हमने एक कहानी बांध दी है जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है, तो ये हमने बांध दिया. आगे देखिए. पीटर ने भी कक्षा में टॉप किया. मुझे बिल्कुल जलन नहीं हुई बल्कि मैंने अपने गलत व्यवहार के लिए उससे माफ़ी मांगी. घर आकर मैंने मम्मी पापा से भी अपने गलत व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी और उनका शुक्रिया अदा किया क्योंकि वे हमेशा मेरी भलाई के बारे में ही सोचते हैं. ऐसा कर मुझे बहुत खुशी हो रही है. बहुत दिन बाद तुमसे बात करके भी बहुत अच्छा लग रहा है. धन्यवाद डायरी, तुमसे फिर मिलने तक शुभ रात्रि. तो यहाँ पर एक चीज़ जो मिस आउट हो गई है वो है नाम. तो यहाँ पर आप अपना नाम लिख कर शुभ रात्रि कर आप इसका अंत कर सकते हैं. ये एक उदाहरण है. आप इसके आधार पर और जो है तीन बातों को ध्यान में रखते हुए, जो मेन बातें हैं शुरुआत, मध्य भाग और अंत, इसको ध्यान में रखते हुए लिख सकते हैं, ठीक है. तो दिस इज़ जस्ट एन एग्जांपल एंड यू कैन राइट अबाउट एनीथिंग ऑन योर टॉपिक, राइट. तो दैट इज़ इट, ये अंत है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लग रहा है और आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ लाइक वाला बटन दबाइए एंड गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें. अगर आप कुछ और सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए, तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं आपकी हेल्प कर पाई. तो नेक्स्ट
ٹوٹوریل بنانے تک, جو اگین آپ کی ریکویسٹ پہ ہی بنے گی بلاگ پر. تو تب تک نمستے اینڈ ہیو اے گریٹ ڈے.